ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जब कृष्ण भगवान रासलीला से अंतर्धान हो गए तो गोपियां उनको ढूंढती रही, पुकारती रही। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोपियों ने बहुत उत्कृष्ट और सर्वोच्च बात वास्तविकता यहां पर बताई है। हमारे लिए जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति बिछड़ जाता है या कुछ हमारी प्रिय वस्तु ऐश्वर्य हम खोते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा दुख होता है। गोपियों का सारा ऐश्वर्य, प्रियतम वस्तु और सब कुछ श्री कृष्ण थे और वो उस समय खो चुके थे उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो कथा है, आपका जो कथामृत है, ये हर व्यक्ति के तप्त जीवन में एक उपाय है। क्योंकि तो दुख जो होता है ना वो अग्नि की तरह होता है, वो दुख जो है वो जलाता है, दुखी व्यक्ति को वो जलने का अनुभव होता है। पर गोपियों ने क्या किया, श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उनकी लीलाओं को याद किया, उनकी लीलाओं का चिंतन किया, उनकी लीलाओं का मंचन किया, यानी दे एनेक्टेड दी लीलाज। कोई कृष्ण बना, कोई गोपी बनी, कोई कालिया बना, कोई ये बना, कोई वो बना, और कृष्ण लीलाओं को उन्होंने परफॉर्म किया, मंचन किया उनका। और उससे वो कृष्ण को ही बता रही हैं, कृष्ण के लिए गा रही हैं कि आपकी तव कथामृतम, ये इस विश्व में दुख में जलने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा सर्वोच्च उपाय है। ये गोपियों ने सिद्ध किया और दोबारा भी उन्होंने सिद्ध किया। ये तो कृष्ण भी कुछ दिन की कुछ समय के बाद में उनको मिले भी, कुछ समय का विरह था, लेकिन जब कृष्ण लंबे समय के लिए छोड़कर मथुरा गए, 115 साल तक लौट के नहीं आए, वो जो कृष्ण खोने का विरह था वो बहुत भयंकर था। और उद्धव जी उनको सांत्वना देने के लिए कृष्ण की ओर से संदेश लेकर आए थे और उद्धव जी उनका विरह और उनका प्रेम देखकर इतने दिग्मूढ़ हो गए, इतने स्तंभित हो गए कि वो कुछ कर ही नहीं पाए कि मैं सब लोगों का दुख निवारण कर सकता हूँ, उनको योग सिखा सकता हूँ, उनको सम स्थिति में ला सकता हूँ, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जाओ, ऐसे में ला सकता हूँ, लेकिन इनकी दुख की जो स्थिति है वो मेरे किसी भी ज्ञान और उपाय के परे है। लेकिन जब उद्धव जी ने अपने आप को असहाय अनुभव किया तब उन्होंने एक बात देखी
कि जब भी गोपियां कृष्ण के विषय में अपनी स्मृतियां वर्णन करती थी, उनकी लीलाओं का मंचन करती थी, उन्होंने उनको ड्रामा भी करके दिखाए बहुत सारे, और उद्धव जी को उन्होंने सभी उन स्थानों पर यात्रा कराई जहां जहां पर उन्होंने कृष्ण के साथ में अद्भुत अद्भुत विविध प्रकार की लीलाओं को संपन्न किया था। तो उद्धव जी ने देखा कि जब ये गोपियां कृष्ण के विषय में कहती है कुछ, उनकी लीलाओं का कथाओं का वर्णन करती हैं, उनकी लीलाओं का नाटिका यानी मंचन करती हैं, तो वो अपने आप ही शांत हो जाती है, अपने आप ही खुश हो जाती है, अपने आप ही नाचने लगती है, हंसने लगती है, आनंद को अनुभव करती है। तो उद्धव जी ने कुछ नहीं कहा और उनको ही बोलने दिया। 6 महीने तक करोड़ों गोपियां उद्धव से बोलती रही, बातें करती रही, बताती रही, हर स्थान पर लेके जाकर उद्धव जी को समझाती रही कि यहाँ पर हमने ये किया, हमने वहां किया, ये किया, यहाँ पर मुरली बजाई, यहाँ पर रास रचाया, यहाँ पर नौका विहार किया, यहाँ पर हमने लुका छुपी खेली, यहाँ पर हमने छीना झपटी खेली, यहाँ पर उनकी बांसुरी चुराई। जब जब वे इन बातों का वर्णन कर रहे थे तो उनका दुख हरण होता हुआ उद्धव जी को नजर आता रहा। तो इन दो प्रसंगों से हम ये सीख सकते हैं कि विश्व में ऐसा कोई दुख नहीं है जो कृष्ण लीला के श्रवण और कीर्तन से नष्ट नहीं हो सकता। विश्व में ऐसा कोई पाप नहीं है जो हम कर सकते हैं और वो कृष्ण नाम से धुल नहीं सकता। प्रॉब्लम केवल एक ही है कि जब हमको भयंकर दुख होता है तब हम कृष्ण नाम और कृष्ण कथा का सहारा नहीं लेते हैं, उसका आश्रय नहीं लेते हैं, दुख व्यक्त करते रहते हैं, शोक व्यक्त करते रहते हैं, दुख से पीड़ित होते रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान जीव जो साधना करता है वो अति दुख के समय कृष्ण नाम और कृष्ण की लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन करता है, उससे वो अपने अति अति भयंकर शोक से भी मुक्ति प्राप्त करता है। मुझे भी जब भी वृंदावन के बहुत लोगों ने फोन किया और हर ब्रजवासी ने मुझे कृष्ण के विषय में कहा, बताया, लीलाओं के बारे में बताया, स्थानों के बारे में बताया, श्रीमद् भागवत के बारे में बताया, तो क्या कहूं मैं तो सब कुछ भूल गया। और कृष्ण भावना का जो दिव्य अनुभव है उसको मैंने प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक दुनिया में दुख तो आएंगे और आएंगे भी तो शॉक की तरह आएंगे, कभी भी आपको इन्फॉर्म करके नहीं आएंगे कि मैं आ रहा हूं, मैं आपके जीवन में 3 दिन के बाद में आ रहा हूं, बहुत सारा दुख लेके आ रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी दुख होता है वो झट से ही होता है, अचानक ही होता है, शॉक की तरह होता है। लेकिन जैसे हमारे सैनिक सदैव अपने बम और बंदूकें लेकर तैयार रहते हैं युद्ध के लिए, क्योंकि शत्रु कभी भी हमला कर सकता है, बता के हमला नहीं करता है, जैसे वो सतर्क रहते हैं हमेशा अपने युद्ध के लिए शस्त्र अस्त्र लेकर, वैसे हमारे सांगो पांगास्त्र पार्षदम, हमारे अस्त्र शस्त्र जो है वो भगवान का नाम है, श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, भक्तों का संघ है, इन सभी शस्त्र अस्त्रों को लेकर हमें सदैव सज्ज रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में चाहे जो दुख जीवन में आ जाए उसको हम नष्ट कर सकते हैं और कृष्ण का आश्रय लेकर अपने जीवन को हम संपन्न कर सकते हैं, परिपूर्ण कर सकते हैं। आइए यह अभ्यास करें कि संकट तो आने ही वाला है लेकिन हम भगवान नाम और भगवान कथा का आश्रय लेने के लिए कितने तैयार हैं, इसका चिंतन करना चाहिए और उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तो जीवन हमें भी कभी भी दुख से फ्री नहीं करेगा।
कभी भी हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि जब तक हम जीवित हैं हम दुख से मुक्त रहेंगे। एक स्थिति आएगी सब दुख नष्ट हो जाएंगे, दुख तो चलते रहेंगे, हम कृष्ण के चरणों में आश्रित रहेंगे तो दुख हमें स्पर्श करने का साहस नहीं करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण नाम की जय, श्री कृष्ण कथामृत की जय, श्री कृष्ण भक्तों के संग की जय। हरे कृष्ण।